Hi friends, welcome to CIM Design. Today we will discuss about the rib fillets and bosses. Here I have a model. You can see in this. Here I have a model. आज इस मॉडल पे हम बात करने वाला है रिब बॉस फिलेट वगैरह कैसे बनाते हैं। मैं इस कंप्लीट मॉडल बनाऊंगा कैसे आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, हम सभी डिस्कस करने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जुड़ना है। इसमें मैं क्या चीज बताऊंगा, इसमें रिब जो होती है हम रिब कैसे बनाते हैं, बॉस कैसे बनाते हैं, गैसेट कैसे लगाते हो, एजेस कितना होना चाहिए, ड्राफ्ट कितना होना चाहिए, कितना थिकनेस का लेना लोगे, हाइट कितना लेना चाहिए, सबकी फॉर्मूला लगती है। तो हम सारी जो है सारी जो चीज है हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इसको मैं पूरा बना के आपको दिखाऊंगा कैसे प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। ऑलरेडी ये पीस मैन्युफैक्चर हो चुका है, वी हैव ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग दिस आइटम, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक पैनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। मैं लास्ट में इसकी सारे कैलकुलेशन डाल दूंगा, तो आप इसकी पूरा कैलकुलेशन जो है वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपको। तो वीडियो को कैसे बनाए, कैसे कैलकुलेशन लेते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो बोर्ड है मेरा, जो ये इलेक्ट्रिक पैनल है, जो इलेक्ट्रिक इसमें स्विच अटैच होंगे, तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से कैसे बनाते हैं। जैसे इसमें आपकी बॉस भी आ रहा है, रिब भी आ रहा है, गैसेट भी आ रहा है, ठीक है। इसमें आपके फिलेट भी होना चाहिए, कितना फिलेट होना चाहिए, कितना परसेंटेज में आपकी बॉस होना चाहिए, सब हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो की एंड में जो इसकी आपकी जो पैरामीटर्स होती है, जो फॉर्मूलाज लगती है, वो आपको मैं अटैच कर दूंगा, तो अंत तक जुड़ी रहिए। तो सबसे पहले जो है इसकी मैं एक बेस तैयार करूंगा, ठीक है। तो बेस कुछ इस तरीके से होंगे, तो मैं वही डायमेंशन में इसको बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्केच ले लिया, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक कोई भी आप स्केच ले लो अपने हिसाब से, जो आपको सुइटेबल लगे। मैं यहाँ पे टॉप ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ओवरऑल जो डायमेंशन है, तो मैं उसको डायमेंशन ले रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 151 का एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो है हम 151 बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो इसकी डायमेंशन है, तो आपको 151 डिवाइड बाई 2 कर दे रहा हूँ मैं। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने इक्वल कर दिया हूँ। तो दोस्तों इसमें आपकी जो थिकनेस रहेगी, अभी जो है हम इसको एक उसकी आउटर एक बॉडी बनाऊंगा, फिर इसको मैं बाद में सेल कर दूंगा। तो अभी जो है इसकी मैं ओवरऑल लेंथ जो रहा हूँ 7 mm का लेंथ रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं 7 mm का ऑलमोस्ट लेंथ ले रहा हूँ, इसको ऑफसेट मार दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको 7 mm जो है मैं सिमेट्री को मैं हटा देता हूँ, इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ 7 mm के लिए, ठीक है। और यहाँ से मुझे एक आर्क लगाना है जो टेंजेंसी फॉलो हो, और इसमें जो आर्क है ये आपके अप्रोक्सीमेटली 15 mm तक रहेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन लूंगा। एक्चुअली अभी मेरे पास रेडियस गज है नहीं, तो मैं यहाँ पे एक लाइन दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके जो लेंथ रहेंगे 15 mm के रहेंगे, और मैं एक आर्क लेके दोनों को आपस में टेंजेंट कर दूंगा। यहाँ पे आप इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑन कर लो, ठीक है। दोनों आप टेंजेंट कर दो लाइक दिस वे, यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट रेडियस। तो अब मैं इसको ट्रिम कर दे रहा हूँ। सिमिलरली अब इसको मिरर कर सकते हो, तो मैं जो है इसको मिरर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको ट्रिम कर दिया हूँ, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है मेरा, इसको मुझे ओवरऑल जो लेंथ है 206, ठीक है, 206 मुझे इसको ले जाना है। तो मैं यहाँ पे रीजन लेके करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो रीजन बना है, ये आपका जाएंगे 206 डिवाइड बाई 2, देन माइनस 206 डिवाइड बाई 2, ओके। तो ये मेरा बन गया है, ठीक है दोस्तों। अब जो है मैं स्केच को अभी के लिए हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो मेरा इंटरनल मेरा स्विच पैनल रहेंगे, उसको भी मुझे साथ में बनाना है। तो इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन आपके एक स्क्वायर में रहेंगे,
that I will take 48 and 50. ओके तो ये जो अभी मेरा पैनल काटेंगे इसमें 48 बाई 50 का मेरा पैनल काटेंगे इसमें, तो मैं यहाँ पे टॉप एंड में स्केच ले रहा हूँ, तो इसमें मेरा डिजाइन सिलेक्ट करके रखा हूँ, इसको मैं सिंगल स्केच लेके मैं यहाँ पे स्केच ले रखा हूँ। अब जो मेरा 48 रहेंगे लाइक मैंने एक वो बना दिया है, अब ये जो मेरा बनेंगे 50 का बनेगा, और ये जो मेरा लेंथ बनेंगे दिस विल बी योर 48 एंड द टॉप विल बी योर ओके दैट विल बी माइन 50 ओके। तो मैंने इसको अभी जो मैंने बनाया है इसको इसको जो एज है एज से इसके डायमेंशन मेजरमेंट करना है, तो अभी मेरे पास वर्नियर है ऑलरेडी मेरा काम था ये, तो मैं आपको हर एक चीज करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें आ रहा है आपकी 22 mm जो है साइड से रहेंगे, और जो दूसरी साइड रहेंगे 29 की है, जो मेरा एज रहेंगे यहां से ये रहेगा आपका 29। तो दोस्तों मैं जैसे डायमेंशनिंग मेजरमेंट करूंगा मैं इस वीडियो को पॉज कर दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएंगे, ठीक है मैं साथ में करते जाऊंगा आपको बता दे जाऊंगा इसको भी। इट विल बी 21 ओके। सिमिलरली आपको इसको मिरर करना है, तो मैं इसको मिरर कर रहा हूं, अब जो ये सॉरी आपको मैं इसका जो लीनियर पैटर्न मारूंगा इसको मैं, ये अप्रोक्सीमेट जो गैप रहेंगे 6.7 mm की गैप रहेंगे, इसको मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ दिस डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन, और इसके साथ आपको प्लस जो इसकी लेंथ है 48 को आपको ऐड करना होगा, ठीक है और इसमें आ जाएंगे आपकी 3 ओके। और दूसरी तरीके से सेम आपकी लेंथ जाएंगे ये ऊपर में चले जाएंगे आपको, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन 2 ऑन कर रहा हूँ, डायरेक्शन 2 में डिस्टेंस इस तरफ दे रहा हूँ, ठीक है इसमें भी आपकी हो जाएंगी, यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट 50 लिया था प्लस 6.7 जो इसकी लेंथ है, तो आपको लाइक इस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्त इसमें एक्चुअली जो केस है मेरा, ठीक है जो मेरा केस है, तो केस में थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना है, ठीक है तो अभी जो ये ऑब्जेक्ट है मुझे इसमें 4.7 जो है माइनस करना पड़ेगा, मैंने 4.7 इसलिए माइनस किया है सॉरी मैंने 4.7 इसलिए माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसको मुझे सेंटर पे लाना है, तो जो मेरा है 4.7 आ गई तो इसको मैंने सेंटर लिया। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों की जो लेंथ है उसको निकाल दो फिर 2 से डिवाइड कर दो फिर इसमें से उसको इस वैल्यू को माइनस कर दो आप, तो ऐसे आपकी सेंटर जो है निकल जाएगा। तो सिमिलरली मैंने इसका काम हो गया है, अब मैं जो है मैंने इसको एक्सट्रूड कट कर दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों तो मेरा ये है जो है कट हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें थोड़ी थोड़ी बात जो आपकी वॉश स्लिप की डिटेलिंग वगैरह आ जाएंगे हम इसके ऊपर, तो अभी जो है इसको मैं इसमें मैंने बना लिया है, और यहाँ पे कुछ कुछ चीजों में आपको एक कुछ कुछ कंटेंट जो है आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है तो मैं यहाँ से जो है ये वाली स्केच ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है तो मैं क्या ऐड करना है आपको बना के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्केच ले लिया है, तो दोस्तों तो इसको जो है मैं एक्सट्रूड करूंगा, स्केच मैंने बना लिया है क्योंकि बहुत टाइम बनने वाला है, तो इसको मैं जो है 4.5 जो है मैं एक्सट्रूड करूंगा, ठीक है तो रिवर्स डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर दूंगा इसको, ठीक है तो मैं इसको इसमें यूनिटी कर दूंगा क्योंकि एक ही बॉडी था मेरा, ठीक है सिमिलरली मैंने इसको यूनिट कर दिया है। तो लाइक आपका ये जो है यूनिट हो गया है, ठीक है तो इस तरीके से मेरा कुछ ऑब्जेक्ट था। अब उसमें और कुछ चेंजेस है मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चेंजेस है, ठीक है ठीक है तो मेरा ये हो गया है। अब जो है इसको मैं सेल कर दूंगा। अब दोस्तों इसमें मेरा जो पेज बनेंगे एबीएस में बनेंगे, और जो फाइल आपकी एबीएस में बनती है एबीएस की जो थिकनेस रहती है आपके 0.8 से लेकर 3.2 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है ध्यान रखना चाहिए। तो अभी जो है मेरा क्लाइंट है जो बात हुई है मेरे साथ, तो उसके जो थिकनेस है तो 1.6 के अराउंड लेना है, तो मैं इसको 1.6 के अराउंड लूंगा, ठीक है तो अभी मैंने 1.6 के अराउंड मैंने थिकनेस ले लिया है, ठीक है
तो इसको मुझे ओके करना है। तो मेरा एक सेल ठीक है बन के रेडी हो गया है। तो दोस्तों इसमें दूसरी चीज ये है, अब इसके जो उसके ऊपर जो मुझे रिब और बॉसेस वगैरह लगाना है ठीक है। जब अब रिब बॉसेस वगैरह लगाते हो इसके भी कुछ कुछ पैरामीटर्स होती है, जो आपको पैरामीटर कंसीडर करके बनाना होता है ठीक है। तो वो पैरामीटर क्या क्या लेना है मैं आपको बताऊंगा ठीक है। ठीक है अब जो है हम इसकी पहले मैं रिब बनाऊंगा, उसके बाद इसकी बॉसेस बनाऊंगा, फिर गैसेट में जाऊंगा ठीक है। तो जो हम रिब बनाते हैं दोस्तों ठीक है, तो रिब बनाते हैं मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन से बता रहा हूँ। जो रिब होती है उसमें हम जो रिब आपकी देखो रिब में क्या क्या फैक्टर आती है, एक आता है आपके हाइट, एक आपके आते हैं वेट, एक आता है आपके डिस्टेंस ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो क्या रहना चाहिए, जो आपकी विड्थ रहेंगे उसके दुगना मिनिमम होना चाहिए ठीक है। और जो हाइट होती है, हाइट कैसे डिसाइड करते हैं, जो आपकी थिकनेस होती है ठीक है, जो हाइट और थिकनेस होती है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी कम या इक्वल से तीन गुना थिकनेस ज्यादा होना चाहिए, मतलब तीन गुना थिकनेस से आप मल्टीप्लाई करोगे ठीक है। मैं इसको कैलकुलेशन जो है मैं दे दूंगा। और जो आपकी विड्थ रहेंगे ठीक है, 60-80% थिकनेस रहना चाहिए, जो थिकनेस होगा उसको आप 60-80% से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी उसकी विड्थ मिल जाएंगी ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ इसमें, मैं आपको बताया मैंने 1.6 का थिकनेस लिया हूँ, आपको मैं करके दिखाता हूँ इसमें कैसे बनाते हैं ठीक है। तो मैं पहले स्केच बना लेता हूँ ठीक है, मैं अभी के लिए वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ ठीक है, स्केच बनाने के बाद बात करते हैं ठीक है दोस्त। तो मैंने यहाँ पे स्केच बना लिया है, अब जो है इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा ठीक है। मेरा जो स्केच है आप देख रहा हो, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको मेरा जो स्केच है ठीक है। तो इसको जो है मैं अभी एक्सट्रूड कर दूंगा ठीक है। तो ये जो है थोड़ा इधर निकल रहा है ठीक है ओके। तो इसको हम कर देंगे एक्सट्रूड। तो मैंने इसको कर दिया एक्सट्रूड, सिंगल स्केच है ठीक है। तो मैं स्केच को सिलेक्ट करके मैं एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ, या आप डायरेक्ट फिशर स्केच भी कर सकते हो। अब देखो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, सॉलिड नहीं करना है, शीट करना है पहली बात ठीक है। बता रहा हूँ क्यों करना है। अब इसको जो मैं जो मेरा थिकनेस डिसाइड होता है ना, क्या थिकनेस कैसे डिसाइड होता है मैं आपको बताता हूँ। जो अब मैंने 1.6 लिया था थिकनेस ठीक है, इसको जो मेरा विड्थ रहेगा, जो मैं इसको थिकन करूंगा ठीक है, तो मैं जो इसको ऑफसेट मारूंगा यहाँ पे सिंगल साइडेड के जगह मैं इसमें टू साइडेड करूंगा ठीक है। जो मेरा ऑफसेट रहेंगे ये होगा आपकी जो 1.3 थिकनेस है उसको मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ ठीक है। तो 100 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आपका बन रहा है। फिर उसको मैं जो मेरा 80% 60-80% होना चाहिए, तो मैं 80% से उसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा ये बन जाएगा 1.2 ठीक है दोस्त। तरीका मैंने आपको बता दिया, 1.2 हो गई मेरा थिकनेस ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करना पड़ेगा 1.2 के थिकनेस के हिसाब से ठीक है। तो दोस्तों इसमें एक चीज मेरा रह गई, जो मेरा स्केच है ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसको मैं इंडिविजुअली करूँ स्केच को। तो यहाँ पे इसके जगह में इसको एक कर लो, अब इसमें आप फिशर स्केच ले लो ठीक है। अब ठीक है तो फिशर स्केच में क्या होता है, सारे को सिलेक्ट होता है। तो मैं आपको बताया कैसे फिशर स्केच ले सकते हो आप। अब इसको यूनिट के साथ इसको सॉलिड को हटा के मैं इसमें शीट ले रहा हूँ, शीट ना लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, टू साइडेड ले रहा हूँ। थिकनेस मैंने आपको बताया कितना लेना है ठीक है, इसको मैं जीरो कर देता हूँ और ये जो रहेगा मेरा 1.2 का ठीक है। और नेक्स्ट आती है आपकी हाइट, हाइट कितना होना चाहिए ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप हाइट डिसाइड करते हो ना, हाइट जो है मैं आपको बताया था h इज लेस देन इक्वल टू 3 into t, मतलब आपका जो थिकनेस रहेगा उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो। मेरा 1.6 है, अगर उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा मेरा ठीक है। तो आप 3 को मल्टीप्लाई करके देखो ठीक है। तो अगर मैं 1.6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा बनता है कुछ आपकी बनती है टोटल जो होगा आपकी 4.8 का। तो इसमें क्या है, लेस देन या इक्वल, तो मैं इस केस में जो है 4.2 के अप्रोक्स मैं इसकी हाइट ले रहा हूं ठीक है दोस्तों। तो मेरा जो हाइट रहेगा 4.2 या लेस देन इक्वल आप कर सकते हो ठीक है, या कम रहो या इसकी इक्वल रहो ठीक है। तो इस केस में मैं अगर मैं इसको 4.8 ले रहा हूँ ठीक है, फिर भी ओके है ठीक है। तो मैं इतना ही ले रहता हूँ और इसको मैं यूनिट कर दिया हूँ। तो ये जो है मेरा यहाँ पे बन के आ गया है। यहाँ पे मेरा बॉस आएंगे
चार कोने में चार बॉक्स आएंगे अलाइनमेंट के लिए, और इसको मैं यूनिक करने का फायदा ये है कि जो यहाँ से निकल आ रहे इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। जैसे सिंक्रोनस मॉडलिंग करते हो, अगर किसी को सिंक्रोनस मॉडलिंग के ऊपर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें, मैं इसको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंक्रोनस मॉडलिंग कर दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी जो स्केच है मैं स्केच को हाइड कर देता हूँ, आप देख लो। ठीक है, मैं आपको सारा तरीका मैंने बता दिया हूँ कैसे करते हैं। अब इसमें जो मेरा सेमी बॉसेस है, इसमें और आपकी बॉसेस आएंगे, वो छोटी छोटी सारे बोटे बॉसेस आएंगे, वो भी बनाता हूँ मैं। तब तक आप पॉज रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मूला के साथ कैसे। आज जो टॉपिक है मेरा बेसिकली प्रोडक्ट डिजाइन कैसे करते हैं, और इसमें री बॉस की गैसेट होती है, होल होती है, जो फिलेट रहती है वो फिलेट भी कैसे होना चाहिए, तो वो सारे फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूँ। और जहाँ पे फिलेट की बात आती है तो कहीं पे जैसे कॉर्नर्स होते हैं, जैसे आपके एक कॉर्नर है तो यहाँ पे अगर आपको फिलेट लगाना तो इसकी भी आपको फॉर्मूला आता है, तो मैं इसको बताऊंगा। जैसे आप अगर आप फिलेट में जाते हो चार कॉर्नर होती है, तो उसकी जो आउटर रेडियस होता है वो आपका होता है जो थिकनेस रहता है, थिकनेस को आप 3.3/2 से डिवाइड करके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आउटर रेडियस मिल जाएगा। अगर आपको इनर रेडियस चाहिए तो 1/2 से थिकनेस को मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसकी वो मिल जाएंगे। मैं बताऊंगा इसको डिटेलिंग में आएंगे हम, और इसको मैं जो आप सारे पैरामीटर में आपको साथ शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको सेमी रिब वगैरह बना लेता हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स मैंने स्केच कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो सही है, इसको मैं जो ये मेरा है अब इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिशर्स कर्व ले लिया है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें पंगा और एक चीज क्या है, इसमें पंगा ये है इसकी जो लेंथ है अलग है और डायमेंशन अलग है, क्योंकि ये सेमी रिब में आता है। ठीक है, अब सेमी रिब क्या होता है, कहाँ लगता है, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। पहले जो इसकी लेंथ रहेगा ये 2.1 के अप्रोक्स आएंगे, और इसके जो थिकनेस रहेंगे ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बस लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके जो मैंने लिया था ऑफसेट टू साइडेड दैट विल बी ओवर 1.2 एंड द लेंथ विल बी 2.10/2। ठीक है, तो इस एमरिब में इसको मैं लेंथ कम रहेगा तो इसको मैं यूनिटी कर दूंगा एज इट इज। ठीक है, कंप्लीटली इंटरसेक्शन कहीं पे आपकी दिखा रहा है कहाँ पे, ओके यहाँ पे आपकी अलर्ट जो है कंप्लीटली इंटरसेक्शन दिखा रहा है, तो इसको मैं नन कर दे रहा हूँ और मैं इसको अभी के लिए ओके कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो जो चीज मुझे बाहर लेके आया है जैसे लाइक दिस वन, इसको मुझे रिप्लेस करना है तो मैं इसको यूनिट करूंगा। ओके, मैं दोनों को यूनिट करना है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसको, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे आपका जीरो थिकनेस वाली प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपको इसको यूनिट ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जो स्केच से इसको हाइड कर दे रहा हूँ, और इसको साइड में से आपकी जो आपकी थिकनेस आ रही है, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इस चीज का, तो इसको थोड़ा थोड़ा एक 0.2 या मैं थिकनेस बढ़ा दूंगा, फिर मैं इसको करूंगा लाइक दिस वे। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो आपकी जो प्रॉब्लम आती है तो इस केस में क्या करोगे, आपको ऑफसेट लेना पड़ता है। जैसे मैंने इसको ऑफसेट लिया है, ठीक है मैं 0.2 का ऑफसेट लिया हूँ, बाद में इसको मैं ठीक कर लूंगा। ठीक है, तो इस केस में आप देखो अभी जो है यूनिट हो पाएगा, देख पा रहे हो आप। ठीक है, अब जिस मेरे साइड से जो मेरा थिकनेस भर गई थी अब मैं इसको कम कर दूंगा, तो मैं सिमिलरली इसको ऑफसेट कर दूंगा, मैं 0.2 जो बाहर की तरफ आया था मैं इसको अंदर की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कंप्लीटली इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब आपको इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको जो है मैं इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, लास्ट में मैं इसको कर लूंगा। ठीक है, तो मैं मेरा फेस के साथ रिप्लेस कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये जो है कम्प्लीटली इंटरसेक्शन दिखा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है हम देखते हैं इसको। ओके, यहाँ पे जो है साइड में जो है इसको नीचे निकाल रहा है, तो पहले आपको रिप्लेस करने से पहले नीचे को करना पड़ेगा। ठीक है, ओ इसमें दो सर्वे सिलेक्ट हो गई, शिफ्ट दबा के आप हमें आधी सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं इसको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको भी ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें होती है एनएक्स में जो आपको पैरामीटर फॉलो करना होता है, उसके बिना आपको नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसको मैं रिप्लेस कर दिया हूँ यहाँ पे भी, इसको भी मैं कर लूंगा अभी, क्योंकि ये जो है इसकी नीचे वाली जो एज है वो भी बाहर निकल की तरफ आया है,
तो आपको रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद जो है आपको ये भी हट जाएगा, लाइक दिस वे यू कैन रिमूव दिस एक्सटेंडेड एजेस। ओके, तो मैंने इस सारे एजेस को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, वीडियो को मैं पॉज कर दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, तो मैंने सबको रिप्लेस कर दिया है, अब देख पा रहे हो मैंने इस एज को भी ठीक कर लिया है। ठीक है, तो ये मेरा जो है एज बन गया है, तो जो मैं चाह रहा था लाइक इस तरीके से मेरा ये यहाँ पे भी बन गया है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो है मेरा जो मेरा रिब्स है, रिब्स की काम खत्म है। अब जो है हम इसकी बॉस की काम करेंगे। ठीक है, अब बॉस की पैरामीटर के ऊपर हम आते हैं, और बॉस में हम लोग क्या क्या पैरामीटर लगाना पड़ता है, क्या क्या देखना पड़ता है। ठीक है, और किस पार्ट में हम पहले पार्ट डिजाइन करते हैं, फिर इसके मैं आपकी मोल्डिंग बनाऊंगा, पूरी मोल्ड बनाऊंगा, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। और ये जो ऐसे ऐसी छोटी छोटी सरफेस जो आपकी आ रही है, तो इसको भी आप इसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे रिप्लेस कर दिया करो, जो जो आपकी रह गई है, कुछ कुछ चीजें अगर आपकी रह गई है तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर दिया करो। ठीक है, बस ये कि मेरा रह गई है। आपको ध्यान रखना है जहां पे रिब लगाते हो, एक रिब से दूसरे रिब में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, वो आप मेंटेन रखना चाहिए आपको, वो आप मेंटेन रखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बॉस लगाना है, तो ये जो सरफेस है इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, इसकी मुझे जरूरत नहीं लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये छोटी छोटी चीज है इसको भी मैं हटा दूंगा फिलहाल के लिए। ठीक है, ओके, तो ये इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ अभी के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मेरा ये काम पूरा हो गया है, अब मैं इसके ऊपर जो बॉस बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्केच ले रहा था, पहले स्केच बना लेता हूँ, फिर आपको ऑब्जेक्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा बॉस बन गया है। अब मैं जो बॉस होती है, तो मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूँ, जो बॉस होती है, जो इसकी क्या होते क्या एक्चुअली में बॉस। ठीक है, तो बॉस होते क्या है, जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, जो असेंबली में एक पार्ट को दूसरे पार्ट को असेंबली होने में असेंबल होने में हेल्प करता है। और जो हम लोग की बॉस रहती है, तो बॉस में क्या होता है, जो कोने में जो ब्लेंड होती है, जो रेडियस होती है, तो एटलीस्ट 0.5 mm आपको लेके चलना होता है। और जो टेपर होती है, तो हम 0.5 से लेके 5 डिग्री तक रफ होना चाहिए, इसमें जो एक क्राइटेरिया है, इसको आपको फॉलो करके रखना है। ठीक है, और जो जो इसकी हाइट होती है, अब हाइट कितना होना चाहिए, जो हाइट होती है हम लोग को, वो लेस देन इक्वल जो आपके थिकनेस है उसको 5 गुना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा 1.6 है, ठीक है, तो इसके हम जो है 1.6 है, तो मैं इसको 1.6 × 4 कर दे रहा हूँ, सॉरी इंटू 4 मैं इसको हाइट दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको थिकनेस ऑलरेडी है, थोड़ा ड्राफ्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो है मैं ड्राफ्ट दूंगा। ठीक है, तो ड्राफ्ट जो रहेगा मेरा 0.5 की अप्रोक्स ड्राफ्ट रहेंगे। ठीक है, तो ड्राफ्ट जो है मैं नीचे से करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने इसको रखा है, उस हिसाब से बनाया था। तो आपको ये मैं इसको अपडेट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, आप देख लेना एक बार जैसे भी हो आपको बनाना है। ठीक है, तो आप इसको अगर यूनिट करना चाहते हो तो आप यूनिट कर लो। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर आपको फॉलो करके चलना होता है जब आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हो। ठीक है, अब इसमें से कुछ कुछ चीजें आपके यहाँ से हटाएंगे हम, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे हटाना है आपको। ठीक है, तो इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर होगा, उस पैरामीटर के साथ बात कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं कर रहे, वी आर ऑल इंजीनियर, वी हैव सम पैरामीटर दैट हैव टू फॉलो दैट, तो हम इस हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, और ठीक है, सो अंदर जो जो मेरा ये चीज आ गया है, इसको मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं कैसे असेंबली में कैसे वोल्टिंग होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तब तक वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं अभी के लिए पॉज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जो है इसके अंदर को जो है हटा दिया हूँ। ठीक है, देख पा रहे हो, क्लियर है। अब उसके बाद जो मैं नीचे से करूंगा उसको आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसको पॉज कर लेता हूँ, मैं लेंथ वगैरह इसको मेजर कर लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो ये इसमें जो मेरा अंदर से जो मेरा कट होगा इधर से, तो उसका मैं आपको जो फॉर्मूला रहती है, इसको हम हाफ से ऑलमोस्ट हम हाफ लेते हैं। ठीक है, तो जो मैं इसको कट करूंगा अभी, देखो आप किस तरीके से कट करना है आपको।
और जो इसके आउटर डायमीटर है वो आउटर डायमीटर भी आपको कैसे निकलते हैं, तो इसमें आप पहले जो है इसकी रेडियस देख लो, ठीक है, डायमीटर जो है इसमें आपकी, सॉरी मैंने गलती से सिलेक्ट हो गई, तो इसका डायमीटर आ रहा है आपकी 8 का, तो हम जो है 6 का करेंगे, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ से लिया, ठीक है, तो यहाँ पे फिशर स्कार्प को जगह सिंगल कार्प कर देना है आपको, सॉरी ये मेरा स्केच सिलेक्ट हो गई, तो यहाँ पे सिंगल कार्प ले लिया, इसको मैं आपको 4.5 mm छोड़ूंगा, ठीक है, इसको मैं माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस 4.5 और यहाँ पे आप 4.5 जो है हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में कर दूंगा, इसको मैं 4.5 प्लस में लेना पड़ेगा, और इसमें आप ले लो 7.27 mm था, तो मैं वो आपको 2 mm ऐसे कर दिया हो, और इसको ऑफसेट लेना है आपको, जो ऑफसेट रहेगा टू साइडेड, तो मैं इसको 1.2 mm की ऑफसेट लेके चलूंगा, ठीक है, 1.2 ये माइनस में ले लूँ, बताऊँ 1.2 और जो ये मेरा कट होगा तो ये इतना कट होके चला जाएगा। सिमिलरली इसका भी मैं कर देता हूँ, ठीक है, तो सबको आपको ऐसे सिलेक्ट करना है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, पॉज कर देता हूँ तब तक, ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मैंने सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। अब दोस्तों इधर मैं अगर सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा लंबा करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसको 10 का कर लेता हूँ, ठीक है, और 10 का कर लिया, अब देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा सब्सट्रैक्ट हो गया है। अब ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा किसी काम का नहीं है, इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बनेंगे सिंपल यहाँ पे आप स्केच ले लो, ठीक है, अब ये जो है मैं इसको जीरो कर देता हूँ, इसको मुझे आर पर करना है, सॉरी लाइन गलत सिलेक्ट हो गई, तो मैं इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है, तो मैंने इसको बना लिया, तो इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ओवरऑल जो है मेरा ये बन जाएगा। अब उसको जो है मुझे रिप्लेस कर दूंगा मैं सबको, इसको मैं एक एक करके लाइक मुझे रिप्लेस कर दूंगा मैं इसके साथ हाइट में, ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो ये जो है मेरा ऊपर से बन गया है जहां पे हम उस बोल्टिंग वोल्टिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज जो आती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो आपकी जो बॉस रहती है इसमें जो कॉर्नर सर्फेस होती है, तो मैंने हाफ डिग्री टेपर लिया था, अब आपको यहाँ पे उसकी ब्लेंड भी लगाना पड़ेगा, तो जो ब्लेंड रहती है मैंने आपको बताया था 0.5 कितना लेना है दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था 0.5 हम लोग अप्रोक्स ब्लेंड लेके चलेंगे, ठीक है, तो आप ब्लेंड लेके ही चलना है, ठीक है, तो आप ब्लेंड जब भी बनाओगे आप ब्लेंड लेके चलना, तो इसमें मैं ऑलरेडी कनेक्टेड किया हूँ, बट ये जो है कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है, ठीक है, लाइक इस तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ, तब तक पॉज कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ, मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ, ठीक है, लाइक इस तरीके से मैंने यहाँ पे सब में जो है ब्लेंड जो है मैंने लगा दिया है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया है मेरा। अब मैं इसके कोने कोने में भी थोड़ा थोड़ा ब्लेंड लगा देता हूँ, ब्लेंड आपको इस प्रकार लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेंजन का कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा ये सिलेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी 0.5 का ब्लेंड लगा देता हूँ, ठीक है, और इसमें ड्राफ्ट दोनों ड्राफ्ट देना होता है, जब भी आप प्लास्टिक पार्ट डिजाइन करते हो तो आपको ड्राफ्ट देना होता है, ठीक है, बिना ड्राफ्ट की आपकी चीजें सही नहीं बनती है, तो आपको ड्राफ्ट लेके चलना है दोस्त, ठीक है, जब भी डिजाइन बनाओगे तो हम ड्राफ्ट दे के ही चलेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसकी वॉच जो है डिजाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो लाइक इस तरीके से आप जो है डिजाइन बनाओगे। अब दूसरी चीज आता हूं मैं इसके ऊपर, गैसेट के ऊपर, जो गैसेट होते हैं हम जैसे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी, ये तो एक्चुअली रिब ही है, तो अगर मान लो मुझे यहाँ पे मैंने रिब नहीं लगाता, मुझे यहाँ पे गैसेट लगाना होता, तो गैसेट की कैलकुलेशन कैसे करोगे? जो आपकी गैसेट होती है, जैसे मान लो उसका मैं थिकनेस रिप्रेजेंट करता हूँ 30 है, ठीक है, तो अगर इसकी आपकी जो विड्थ निकालना है, तो अगर विड्थ निकालना होगा तो आप
0.6 से लेकर 0.8 से थिकनेस को आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको 1.6 मैंने थिकनेस लिया था, अगर मैं इसकी गैसेट बनाऊंगा तो आप 0.8 ही ले लो मैक्सिमम वैल्यू, 0.8 से लेके 1.6 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपकी जो है विड्थ निकल जाएगी। अब दूसरी चीज आता है इसकी, आपकी जो लेंथ होती है, ठीक है, जी हम की लेंगे, डिस्टेंस जो लोगे आप, जो आपकी वी है, जो मतलब आपकी वॉल थिकनेस है, इसको जो वॉल थिकनेस है आपकी, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो दो से, ठीक है, तो आपकी ब्रेड हो जाएगा। अगर 1. अपने वो ले रखे हो 1.6 है तो आपकी हो जाएगा 3.2 अप्रोक्स, इसका आपकी जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपको कैलकुलेट करके लेकर आना, मैं आपको इसमें डाल देता हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ, आपको देख लेना कैसे वाले से आपको निकलना होता है, तो ठीक है, तो आप देख लो इसको कैसे होता है और इसके ऊपर, और जैसे वॉल थिकनेस होती है, ठीक है, वॉल थिकनेस कैसे डिसाइड करते हो आपकी किसी पार्ट के ऊपर, तो आपकी जो वॉल थिकनेस होती है, तो मैं एक सजेस्टेड वैल्यू ले लूंगा, इसके अंदर ही आपकी वॉल थिकनेस होता है। जैसे हम एबीएस यूज करते हैं तो इसमें क्या 0.8 से लेके 3.2 के हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं। अगर आप नायलॉन यूज कर रहे हो, नायलॉन में भी ग्रेड आता है अलग अलग का, ठीक है, 0.4 से लेके 3.2 यूज कर रहा हूँ। अगर मैं पीसी ले रहा हूँ वोडिंग कार्बोनेट के लिए, मैं लेता हूँ 1 से लेके 10 एमएम तो ले सकता हूँ। अगर आप पी ले रहे हो, ठीक है, पी में भी डिवाइड आते हैं, आप एलडीपी ले रहे हो कि एचडीपी ले रहे हो, मैं अगर एलडीपी ले रहा हूँ, ठीक है, तो एलडीपी में अगर आ जाओगे तो 0.5 से लेके 6.2 हाई डेंसिटी बोलीथल में आ जाती है। अगर सॉरी लो डेंसिटी में, अगर आप हाई डेंसिटी में जाते हो पी में, ठीक है, तो इसको 0.9 से लेके 6.4 एमएम की भी इसमें होना चाहिए, ठीक। उस तरीके से आप, अगर मैं पीपी में प्रोडक्ट डिजाइन करता हूँ तो 0.6 से लेकर 7.6 एमएम के बीच में जाता हूँ। अगर पॉलीस्टाइरीन में जा रहे हो, पीएस में जा रहे हो तो 0.8 से लेकर 6.4 होता है, पीओ में जा रहे हो तो आप क्या होता है 0.7 से लेकर आप 38 तक जा सकते हैं इस केस में। तो आप डिपेंड करते हो आप कौन सी मेटेरियल भी बना रहे हो, इसकी मेटेरियल की ग्रेड क्या होती है, रिसाइकल्स कोड वगैरह भी आपको पता होना चाहिए एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको लेकर चलना होता है, उस केस में हम उस चीज को डिजाइन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप बात करता हूँ इसकी, जो मेरा वैल्यू है मैं इसको आपको दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अभी जो है आपको क्राइटेरिया बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो, कोई पहले हम रिप के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो रिप क्या होते हैं एक्चुअल में, क्यों लगाते हैं रिप, ठीक है, रिप लगाने के क्या फायदा होता है, रिप क्या करते हैं स्ट्रेंथन द पार्ट, तो पार्ट को स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है, जहाँ पे बेंडिंग वेंडिंग ना हो, ठीक है, तो उसको आपको स्ट्रेंथन करते हैं, क्या क्या करते हैं, और दूसरी चीज जो होती है प्रिवेंट फ्रॉम इट्स वार्पिंग, ठीक है। तो जो वार्पिंग होती है, मैंने ऑलरेडी मेरे लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी जो वीडियो बनाया उसमें वार्पिंग के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसको नहीं पता वो जाके वहाँ पे देख ले। तो जहाँ पे वार्पिंग होता है वहाँ पे हम उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, एज ए रेजिस्टेंस काम करता है ये। और जो जो रीव होती है, जो साइड और फ्रंट की जो रीव होती है, वो हमसे टेपर में होना चाहिए, टेपर में होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक पार्ट है उसको इंजेक्शन में दिक्कत होगा, ठीक है। तो टेपर कितना होना चाहिए, हाफ से लेके 5 डिग्री तक ये टेपर होना चाहिए, ठीक है, और ये डिपेंड करता है इसकी लेंथ और विड्थ के ऊपर कितना डिग्री होना चाहिए। अगर आप लेंथ ज्यादा होगा, लंबाई ज्यादा होगा तो आप पेपर कम करोगे, ठीक है, अगर लंबाई तो पेपर ज्यादा कम होगा तो पेपर ज्यादा करोगे, तो वैसे ये आपको एडजस्ट वगैरह करना होता है। और इसमें क्या होता है, फिलेट लगाना चाहिए बोथ साइड में, जहां हम फिलेट क्या करते हैं यूज करते हैं, जहां पे ज्वाइन होती है, क्या क्यों करते हैं हम, जो इसमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होते हैं ना, इसको हम मिनिमाइज करते हैं जहां हम इसमें फिलेट लगाएंगे। तो आप देख पा रहे हो मैंने एक स्केच बनाया था इसमें आपको समझने के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जो मेरा हाइट है, मैंने हाइट को लिखा और डिस्टेंस जो एक रिप से दूसरी रिप में डिस्टेंस जो है मैंने डी से रिप्रेजेंट किया हो, जो उसकी विड्थ है तो मैंने डब्ल्यू से किया हो, थिकनेस को टी से रिप्रेजेंट किया हो। और जो आपकी हाइट होती है, लेट्स से मैंने आपको वीडियो में मैंने बनाया था इसमें थिकनेस जो है मेरा 1.6 एमएम का था, तो इस केस में जो मेरा हाइट रहेगा तो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल 10 to t, जो आपकी थिकनेस रहेंगी उससे 3 गुना रहेंगे। और जो आपकी विड्थ रहेंगी, विड्थ हम कैसे डिसाइड करते हैं, देखो कभी कभी आप कोई फॉर्मूला मिलता है जहाँ पे 40 to 60% होता है, बट बेसिकली मैं जहाँ यूज करता हूँ 0.8 mm तक यूज करता हूँ, मतलब परसेंट में यूज करता हूँ। तो ये 0.8 जो है मैं 100 से डिवाइड करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, या परसेंटेज में नहीं लिखा हूँ, तो इस वीडियो में 0.8 into t लिया हूँ, जो उसकी विड्थ है, ठीक है, क्योंकि नीचे जो है हमेशा ऊपर की तरफ पेपर में रहेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं 0.8 ही ले रहा हूँ इसमें। और जो दूसरी चीज है, जो मेरा एस है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल 2 into t, जो थिकनेस रहेंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो डी रहेंगे, डी आपका क्या रहेगा, जो आपकी विड्थ रहेंगे इससे दुगना डिस्टेंस पर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये होगी आपकी रेप की सारे फॉर्मूले। नेक्स्ट हम लोग आता है बॉसेस, ठीक है। तो दोस्तों बॉसेस होते क्यों लगाते हैं हम, बॉसेस क्या जरूरत पड़ता है, तो बॉसेस इसलिए जरूरत पड़ता है जब आप किसी मेल
फेमिल पार्ट डिजाइन करते हो, जैसे कि आपकी फैमिली मॉल होती है, ठीक है, फैमिली मॉल में क्या होती है, कुछ कुछ चीजें एक के ऊपर आपके दूसरे में लगती है, ठीक है, तो वो चीज कैसे आप प्रोटेक्ट कर, मतलब कैसे बनाओगे, उस केस में आपकी बॉसेस काम आते हैं। तो बॉसेस को हम अगर किसी सेंटेंस में डिफाइन करें तो क्या बोलते हैं हम इसको, प्रोट्रूडिंग स्टार्ट बोलते हैं, जिसमें असेंबली में एसिस करते हैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट में जोड़ने में, ठीक है। और जो एजेस होते हैं बॉस में, ठीक है, तो 0.5 हम लोग ब्लेंड लेके चलते हैं मिनिमम, ठीक है, और अगर इंच में लिखा 1/64 में आता ही है। और टेपर जो रहती है हमेशा हाफ से लेके 5 डिग्री के बीच में टेपर होना चाहिए, वो डिपेंड करता है बिट और हाइट पे। तो ये आप साइड में देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने जैसे हाफ डिग्री का टेपर रखा हो, इसमें रेडियस भी है 3 × d, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लगा रखा हो। इसको आप फिजियो को पॉज करके इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, अगर आपको उस समय दिक्कत आ रही है फिजियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आने वाला है आपको। और जो हाइट है इसमें हम लोग लेस देन इक्वल 5 × t थिकनेस, अगर 1.6 मैंने लिया था तो इसमें मैंने 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे ज्यादा या इससे ज्यादा तो नहीं होगा, इसका इक्वल या इससे कम होगा, ठीक है। तो रेडियस जो है 25% ऑफ थिकनेस, अगर थिकनेस 1.6 लगा रखो, इसको आप 25% डिवाइड कर दो, तो इतना आपको रेडियस ग्रेटर देन या इक्वल, इससे ज्यादा होगा या इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इसमें बॉसेस देखना चाहते हैं, मैं एक बार इसको ऐसे कर देता हूँ, अगर आपको जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट केस में आता हूँ, मेरा सर्व कॉर्नर फिलेट की बात करता हूँ मैं, ठीक है। इसको भी जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सर्व कॉर्नर क्या होता है, जहां हम कुछ पार्टिक पार्ट होता है, क्या होता है, मेटेरियल जो है फ्लो होता है। अब मेटेरियल फ्लो होती है जहां पे आपकी सर्व एजेस बनता है, वहां पे मशीनसी मशीनिंग में भी दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे टूल खुसने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कॉर्नर बनाते हैं, सर्व कॉर्नर, और जो उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज है वो भी बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो इसके लिए आपको स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को आप जहां पे होती है इसलिए हम वहां पे फिलेट लगाते हैं, या आप ब्लेंड भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कितना डिग्री का टेपर होना चाहिए प्लास्टिक पार्ट में, आपको बताया हाफ से लेके 3 डिग्री तक हमेशा प्लास्टिक पार्ट में टेपर होना चाहिए, ड्राफ्ट होना चाहिए, ठीक है। अब जहां पे आप कॉर्नर है, ठीक है, तो उसकी आउटर रेडियस कितना होना चाहिए, तो आउटर रेडियस जो होती है, जहां पे हम आउटर कॉर्नर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनसाइड की नहीं कर रहे, आउटर रेडियस की बात कर रहा हूँ, वहां पे आप 3/2 × t, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 3/2 × t। जैसे मैंने अभी 1.6 का लिया था, तो अब जैसे आपको 3 × 1.6/2 कर दो तो ये आपकी आउटर रेडियस आपको मिल जाएंगे। जहां पे इनर रेडियस आता है, इनर रेडियस को हम थिकनेस की आधा लेते हैं, ठीक है, आप या इनसाइड रेडियस में आप ऐसे लेके चल सकते हो, ये आपकी फॉर्मूला है सर्व कॉर्नर निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपकी गैसेट, ठीक है। एक्चुअली गैसेट क्या होता है, जहां पे कॉर्नर पे आपकी जहां पे स्ट्रेंथ चाहिए, तो हम उस केस में हम गैसेट लगाते हैं। तो यह क्या करता है, जैसे यहाँ पे एक लाइन पे क्या है, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो सपोर्टिंग अरेंजमेंट फॉर द एजेस, ठीक है, एजेस को हम स्टिफ रखने के लिए काम आता है, ठीक है। इस केसेस में मेरा जो बी है और ए है मैं इक्वल रखूंगा, क्योंकि मेरा जो एज है दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहता है, कम ज्यादा भी कर सकते हो, तो मैं इसमें इक्वल रख रहा हूँ, ठीक है। तो B इज इक्वल टू A एंड C इज इक्वल टू B, और जो C है वो B के इक्वल है, तो मैंने एज एज्यूम किया, ठीक है। तो मेरा D क्या होगा, D मतलब मेरा डिस्टेंस, जो मेरा गैसेट होगा, गैसेट की डिस्टेंस कितना होगा, दो गैसेट का डिस्टेंस क्या होगा, जो आपकी B है, B आपको मैंने बोला क्या है, B मेरा थिकनेस की इक्वल है, तो दुगना आपकी जो थिकनेस होगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने 1.6 लिया था, तो मेरा 3.2 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा E है, E क्या है, इसकी विड्थ है, ठीक है, विड्थ कितना रहेंगे 0.8 × a, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, तो इतना आपका होना चाहिए। A आपके कितना हो जाएगा, 1.6 मैंने लिया था, तो आपको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 0.8 नहीं है, 80% होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इसलिए मैं 0.8 से मल्टीप्लाई किया हूँ, ठीक है। और जो आपकी इसमें F रहेगा, ठीक है, F क्या रहेगा, एक गैसेट से दूसरा गैसेट की डिस्टेंस में जो डिस्टेंस है उसको हम F से डिफाइन करते हैं, तो F क्या रहेगा, E दुगना रहेगा, मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करके जाना है, अगर एक के साथ दूसरा रहोगे वहां पे आपके स्विंग होने का तो आपकी हो सकता है उस केस में, ठीक है, तो वहां पे आपको आरपीएच वगैरह भी हो सकते हैं, तो उस केस में आपको देखना है, ये चीज मेंटेन रख के बनाना है, ठीक है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नीचे आ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग वॉल थिकनेस के ऊपर। तो दोस्तों वॉल थिकनेस होता क्या है, पहली बात तो, ठीक है, हर मेटल के वॉल थिकनेस होता है, ठीक है। आपको देखो अभी मैं थोड़ा एडवांस लेवल में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो है प्रोडक्शन के ऊपर जा रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट डिजाइन करने के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको वॉल थिकनेस जो मैं अभी सजेस्टेड वॉल थिकनेस दे रहा हूँ, इतना हम लेके चलते हैं, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम किस ABS वगैरह यूज करते हैं, PPPC यूज करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक्रोलिक यूज कर रहा हूँ ABS, ठीक है,
अगर मैं इसमें एक्रिलिक बुटाडा स्टायरिंग यूज कर रहा हूँ तो इस केस में आपको 0.8 से लेकर 3.2 mm की बीच में थिकनेस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप नाइलॉन यूज कर रहे हो, नाइलॉन में भी आता है 6.6 6.0, आप नाइलॉन में कौन से यूज कर रहे हो, कौन सी ग्रेज यूज कर रहे हो, तो नाइलॉन में आपका आता है 0.4 से लेकर 3.2 mm के बीच में आपका होना चाहिए। अगर आप पीसी यूज कर रहे हो, पॉलीकार्बोनेट यूज कर रहे हो, तो इसमें 1 mm से लेकर 10 mm तक आप जा सकते हो, इसमें बहुत फ्लेक्सिबल मिलता है। आप पी यूज कर रहे हो, पॉलीएथिलीन यूज कर रहे हो, तो आप पी में कौन सी यूज कर रहे हो, लो डेंसिटी में पॉलीएथिलीन यूज कर रहा हूं, तो इस केस में आपको 0.5 से लेकर 6.4 mm तक होगा। अगर आप एचडीपी यूज कर रहे हो, एचडीपी में आपको 0.9 से लेकर 6.4 mm तक आप ला सकते हो। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा डिजाइन में, ठीक है। जहां पे मैं पीपी यूज कर रहा हूँ, पॉलीप्रोपाइलीन यूज कर रहा हूँ, वहां पे 0.6 से 7.6 mm तक जा सकते हैं। पीपी में थोड़ा सिंगल ज्यादा होता है। आप पॉलीस्टाइरीन यूज कर रहे हो, पीएस यूज करो, 0.8 से 6.4 जा सकते हो। जो आप पी यूज कर रहे हो, पॉलीयूरेथेन यूज कर रहे हो, 0.7 से 38 mm तक आप जा सकते हो। तो ये है सारा क्राइटेरिया। तो आपको जब भी आपको प्रोडक्ट डिजाइन करोगे, जब आपके पास नया प्रोडक्ट होगा, आपको ये क्राइटेरिया लेके चलना है, ठीक है। तो इसके थ्रू ही आपको जाना है। आई थिंक ये वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। चलो, जय हिंद दोस्तों।